दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी देखते ही देखते आठवें नंबर पर फिसल गया और सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से। यहाँ गाइस, भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी जी की कंपनी के शेयर प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसमें उन्हें लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का घाटा लग चुका है। और ये घाटा इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान जैसा पूरा देश 8 महीने तक इन पैसों से खाना खा सकता था। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा गया है इस रिपोर्ट में, चलिए जानते हैं। दरअसल ये रिपोर्ट अमेरिका के एक रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयर में गड़बड़ी करके शेयर की कीमतों को 85% तक ज्यादा बताया है, बावजूद इसके कि अडानी ग्रुप कर्जे में चल रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट का जवाब देते हुए कहा है कि ये रिपोर्ट एकदम झूठी है और केवल इंडिया पर हमला है ताकि इंडिया को उभरती हुई महाशक्ति बनने से रोका जा सके। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या ये रिपोर्ट सच्ची है या अडानी फर्म की दलीलें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये न्यूज आपके लिए है। अंतरिक्ष में एक ऐसी रहस्यमय वस्तु मिली है जो हमारे सूरज से 57,000 करोड़ गुना ज्यादा चमकदार है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे इतनी ज्यादा ऊर्जा निकल रही है कि यह हमारे फिजिक्स के सारे नियमों को फेल कर रही है। जी हाँ गाइस, पृथ्वी से करीबन 380 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर यह वस्तु अंतरिक्ष में एक आग के गोले की तरह है, जो कि सूर्य की तरह ही कई गैसों से भरा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यह असल में चीज क्या है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह दुर्लभ प्रकार का सुपरनोवा है, यानी मैग्नेटार है, और ये अब तक खोजे गए सारे सुपरनोवा में सबसे ज्यादा ताकतवर और चमकदार है। बहरहाल ये वैज्ञानिकों का सिर्फ अंदाजा है, असल में इस आग के गोले का सच क्या है इसका पता लगाया जाना अभी बाकी है। वैसे गाइस, आपको स्पेस के रहस्यों के बारे में जानकर कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या हमारी धरती के उल्टे दिन शुरू हो गए? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी धरती की सेंटर प्लेट्स उल्टी दिशा में घूमनी शुरू हो गई है। जी हाँ गाइस, धरती की सतह से लगभग 5000 किलोमीटर नीचे मौजूद धरती का जो केंद्र है यानी कि सेंटर पॉइंट है, वो गोल बोल नुमा आकार का है, जिसने अब उल्टी दिशा में घूमना चालू कर दिया है। बताया जा रहा है कि साल 2009 में पृथ्वी के इस केंद्र ने घूमना बंद कर दिया था और अब साल 2023 में इसने उल्टा घूमना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सतह से 5000 किलोमीटर दूर होने की वजह से हमें इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की घटना साल 1970 में भी हुई थी। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इससे धरती पर प्रलय आ जाएगी, यानी कि धरती का विनाश हो जाएगा। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पृथ्वी के केंद्र का उल्टा घूमना हमारे लिए कितना घातक साबित होगा। लेकिन गाइज, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।